उम्मीद करते हैं आप सब फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। सो फिलहाल हमारा यही है कि आप लोग मस्त लखनऊ में रुके शुके और अब हम निकल रहे हैं नोएडा के लिए, क्योंकि हमारे विशाल भाई की शादी है आने वाले कुछ ब्लॉग में, वो भी आपको पता ही चल जाएगा। तो मस्त सारा सामान गाड़ी में लोड हो चुका है, गाड़ी रेडी हो चुकी है, बस हम भी निकलेंगे थोड़ी देर में। और अभी अब प्लान ये है कि अभी हमें जाना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और सुबह के हो रहे होंगे कुछ 11 बज रहे हैं और 11 बजे सारे मॉल वगैरह ओपन होते हैं, तो इनको जो भी पहनना है शादी में बस वो खरीदने के बाद हम निकल लेंगे नोएडा के लिए। तो हमें शीतल दीदी ने भी ज्वाइन किया, ये हमें शॉपिंग कराएंगी, तो ये भी चल रही है। शॉपिंग कराने के बाद ये वापस आ जाएंगे और हम निकल जाएंगे वापस नोएडा, चलते हैं। ये रहा हमारा गाड़ा भंडार, यहीं चलते हैं, यहीं से करनी है हमें विशाल भाई की शादी की शॉपिंग। शिवाय आपको भी शॉपिंग करनी है? आओ मम्मा का फिंगर पको, वो भिटक गिर जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो खुद से चलो। क्या नहीं मिला आपको? ओ भैया के पास आपके लिए कुछ है ही नहीं, भैया से बोलो हमें भी कुछ दिला दो। कपड़े दे दो बिटिया। नहीं बेटा मुंडन नहीं हुआ इसलिए कपड़े, यार तुम्हारे लिए आई नहीं यहाँ पे यार। एक बार प्लीज ये ट्राई करो, अच्छा लग रहा है, कुछ यूनिक लग रहा है। हाँ ये भी ट्राई करो। हमारी सारी शॉपिंग वगैरह डन हो चुकी है, तो जो भी इनको चाहिए था वो मस्त हमारे गाड़ा भंडार में मिल गया था। गाड़ा भंडार के मेंस के कलेक्शन नो डाउट बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया। उनके पास कुर्ते वगैरह थे तो फाइनल हो गया इनका कुर्ता, और हमने काइंड ऑफ अपनी मैचिंग ही रखी है। गाड़ी बहुत हिल रही है, तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:30 बजे और अब हम निकल रहे हैं अपने नोएडा के लिए, अपने फाइनली सारे काम जो भी लखनऊ के थे वो सब निपटाने के बाद। एक्चुअली होता यही है, आप जब लखनऊ आते हैं ना तो आपको सारे काम याद आते हैं, ये भी कर लीजिए वो भी कर लीजिए, तो सब करने के बाद चलते हैं अपने घर वापस। और ये जो ट्रिप थी हमारी, ये काफ़ी लंबी ट्रिप हो गई, मतलब अराउंड कुछ 14-15 दिन की ट्रिप थी हमारी, और ये पूरा महीना हमारा ऐसे ही निकला है। हम लोग सिर्फ एक महीना नोएडा रुके हैं, बाकी महाराष्ट्र और फिर ये ससुराल, फिर ये मायके, तो पूरा महीना हमारा ऐसे ही चला गया। छोटे जनाब मस्त सो रहे हैं और यहाँ चल रही है हमारी पार्टी। ये सो गया था, हम लोगों ने ओपन किया क्योंकि इन्होंने मस्त मैंगो शेक पिया था, मखाने खाए थे, अब ये देने का कोई दुख नहीं बनता है, मस्त सो गए। यहाँ पे हमारा चल रहा है पॉडकास्ट और गप्पे, इंजॉय करते अपना रास्ता।
हमारे स्टे यहाँ पे हम खाने वाले हैं मेरे खुद के घर में। मुझे मम्मी के लिए कुरकुरे पिंक खाना पिंक। हाँ जनाब को यहाँ आके केक भी खाना है फ्राइज भी खानी है तो ये पापा के साथ केक के लिए गए पापा के साथ पेस्ट्री लेने गए फ्राइज लेने गए। कितना खाएंगे पता नहीं है छोटू पुटू। हम लोग नाश्ता करके वैसे तो निकले थे और अभी क्या हो रहा है कि टाइम हो गया है काफ़ी। अब दोपहर का खाना नहीं खाएंगे स्किप करेंगे और खाएंगे बढ़िया सी चाय और समोसा। खुशी देखो कितनी है शिवाय की पेस्ट्री। हैप्पी बर्थडे शिवाय। रुको अब कट अब खाओ प्लीज उनको हैप्पी बर्थडे करना है। मैं यही बोलूंगी कि अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो समोसे मत ऑर्डर करिएगा या कुछ पकौड़ी या कुछ ब्रेड रोल जैसा चीज़ मत ऑर्डर करिएगा। पराठे वगैरह आप खा सकते हो बट कुछ बहुत खास टेस्ट नहीं है। चाय अच्छी है यहाँ की बस एक वही जगह वही पॉइंट था कि हम यहाँ पे रुक जाते थे बट अब शायद नेक्स्ट टाइम से नहीं रुके। तो फिलहाल अब हम निकल रहे हैं नोएडा के लिए और यहाँ पे जो समय दिखा रहा है वो कुछ दो घंटे दिखा रहा है नोएडा के लिए बट हमें जाना है डायरेक्ट पर हम जाएंगे डायरेक्ट दीदी के घर। तो हम डायरेक्ट जाएंगे पीयू दीदी के घर तो हमें वहां पहुंचते कुछ 3 घंटे लग जाएंगे। नानू के पास जाना है गाड़ी मोड़े अच्छा सुबह चलेंगे नानू के घर ठीक है। अरे लो नहीं यार यहाँ पे आपकी बाइक है बाइक ओके नहीं मोटरसाइकिल। अच्छा मोटरसाइकिल अभी देती है मम्मा।